नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा मूवी लगातार कंट्रोवर्सी के अंदर बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आमिर खान ने सिख धर्म का अपमान किया है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार आमिर खान ने 4 साल बाद वापसी की है, तो इन फिल्मी सितारों का बॉयकॉट करके इनको दिखाना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इन्होंने कैसे गलत किया था। तो आपको बताते हैं, ये लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की मूवी है जिसके अंदर उन्होंने सिख धर्म को अपनाते हुए और आगे की स्टोरी बयां की है। हालांकि स्टोरी क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने स्टोरी बता दी तो आप लोगों का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ही टाइम के ऊपर, एक ही दिन यानी कि 11 अगस्त को 2 मूवी रिलीज हुई है। एक तो है रक्षाबंधन, जो रक्षाबंधन के दिन ही रिलीज हुई है, जिसके अंदर लीड भूमिका निभा रहे हैं अक्षय कुमार। तो वहीं अगर इस दूसरी मूवी की बात की जाए तो इसके अंदर लाल सिंह चड्ढा में लीड रोल निभा रहे हैं आमिर खान, तो वहीं उनके अपोजिट है करीना कपूर, यानी कि दोनों की जोड़ी एक बार दोबारा से देखने को मिली है। लेकिन ट्विटर के ऊपर लगातार ट्रेंड कर रहा है कि बॉयकॉट आमिर खान, यानी कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। तो ऐसा क्या है इस मूवी के अंदर कि लगातार बॉयकॉट की बातें चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि आमिर खान ने इस बार जो है ना सिख धर्म का अपमान कर दिया है, तो ये मूवी नहीं देखनी चाहिए। हालांकि अगर आमिर खान की बात करूं तो उनका भी इसके ऊपर रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों से मैं दिमागी तौर के ऊपर परेशान हो चुका हूं। हालांकि इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था कि उनकी वाइफ ने ये कहा था कि आमिर खान ने ये बयान दिया था कि उनकी वाइफ का इंडिया के अंदर जो है मन घुटने लगा है, इसीलिए वो कहीं बाहर जाना चाह रही है। लेकिन उसके बाद आमिर खान ने पब्लिक में आकर के माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन उसके बाद भी 4 साल बाद जैसे ही आमिर खान ने कमबैक किया बॉलीवुड के अंदर, तो लगातार आमिर खान की मूवी का जो है बॉयकॉट होने लगा है। और बॉयकॉट सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहा कि आमिर खान ने ये मूवी की है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो है सिख धर्म का गेटअप देख पा रहे हैं। इसी सिख धर्म की वजह से कई हिंदू संगठन इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। तो चलिए लोगों के पास आपको लेकर के चलते हैं और जानते हैं कि क्या जमीनी लेवल के ऊपर भी इस मूवी का बॉयकॉट हो रहा है, या सिर्फ ये जो है मूवी को हिट करने के लिए बॉयकॉट का एजेंडा अपनाया गया है। चलिए सर, कौन सी मूवी देखने के लिए आए आप? लाल सिंह चड्ढा। अच्छा, लाल सिंह चड्ढा क्यों देखने के लिए आए? अच्छी मूवी है, आमिर खान हमेशा अच्छा करते हैं, कोई ना कोई इशू उठाते हैं। 4 साल बाद आमिर खान ने दोबारा से कमबैक किया है बॉलीवुड के अंदर, और उनकी पहली मूवी आते ही लगातार बॉयकॉट का ट्रेंड चलने लगा है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये मूवी को हिट करने के लिए बॉयकॉट का ट्रेंड चलाया जा रहा है, या फिर सही में जो है उन्होंने सिख धर्म का अपमान किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करते, और ये फिजूल लोगों का काम है। अच्छा, ये कभी प्रेमी जोड़ों को पकड़ते हैं, कभी किसी का, इनका काम ही विरोध करना है। ये कहीं ना कहीं हमारी हिंदू संस्कृति के नाम पे कहीं ना कहीं ठेकेदार बन के अलग अलग जगह पे युवाओं को तंग करते हैं, कभी किसी को तंग करते हैं, कभी कोई धर्म को, जाति में, इनका काम ही ये है। मुझे ये बताइए, आज कौन सी मूवी देखने आए हैं? कौन सी है भाई? चड्ढा। अच्छा, लाल सिंह चड्ढा क्यों देखने के लिए आए हैं? मैडम, नाम सुना है इसका? अच्छा, सिर्फ नाम सुना है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है बॉयकॉट को लेकर के, तो क्या ग्राउंड लेवल के ऊपर भी बॉयकॉट किया जा रहा है? मैम, इसका तो आइडिया मुझे है नहीं। कुछ और लोग मौजूद हैं, तो ये बताइए कौन सी मूवी देखने आए? लाल सिंह चड्ढा। अच्छा, ये बताइए लाल सिंह चड्ढा क्यों देखने के लिए आए? अच्छा, रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा दोनों एक टाइम के ऊपर रिलीज हो रही है, तो इसके अंदर ऐसा क्या खास लगा? आर्मी, इंडिया से रिलेटेड। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि आमिर खान ने जो सिख धर्म है उसका कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसको पेश किया, तो आपको भी लगेगा ऐसा? मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा, मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ उसमें। अच्छा, ठीक है भाई, कंट्रोवर्सी के अंदर ये मूवी घिरी हुई है, लगातार बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है, तो क्या जमीनी स्तर के ऊपर भी बॉयकॉट हो रहा है? जी नहीं, हमें ऐसा लगा नहीं है। तो आप किस वजह से देखने के लिए आए? कि बॉयकॉट चल रहा है इसलिए देखने के लिए आए हैं, या फिर आपको अच्छी लगी इसलिए देखने आए? ट्रेलर अच्छा लगा हमें काफी, आमिर खान के फेवरेट एक्टर है, इसकी वजह से। ठीक है, खाया किसी चीज से तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। ठीक है, दोनों मूवी साथ के अंदर रिलीज हुई है, एक बार सामने की तरफ आ जाइए, दिखा दीजिए। रक्षाबंधन मूवी जो है वो भी अभी रिलीज हुई है कल की ही डेट के अंदर, और कल ही जो है ये दोबारा से रिलीज हुई है आमिर खान की भी मूवी, तो क्या लग रहा है बेहतर कौन सी साबित होगी? देखिए, दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं दोनों, अक्षय कुमार जी और आमिर खान, और बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते हैं दोनों ही, बड़ा मेहनत करते हैं, और दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर, दोनों की मूवी देखनी चाहिए, इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट के लिए। अब इंटरटेनमेंट भी हम किसी से पूछ के थोड़ी करेंगे। कौन से मूवी देखने के लिए आए? लाल सिंह चड्ढा जी। लाल सिंह चड्ढा किस वजह से देख रहे हैं? बॉयकॉट हो रहा है इसलिए देखने आए हैं? जी नहीं मैम, वैसे स्टोरी बढ़िया है। अच्छा, स्टोरी के अंदर कुछ बता सकते हैं कि क्या है स्टोरी में? स्टोरी वैसे ही हमें, ये पॉलिटिकल तो ऐसे ही हो चुका है। अच्छा, लेकिन
अलग स्टोरी पाई। अच्छा, आजकल लोगों के अंदर देखा जाता है, यानी कि फिल्म सितारों के अंदर देखा जाता है कि अगर नेगेटिव पब्लिसिटी फैलाई जाती है, बॉयकॉट ज़्यादा बताया जाता है जिस फिल्म का, वो फिल्म हिट कर जाती है। तो क्या आपको भी यही लग रहा है कि लाल सिंह चड्ढा इसी वजह से बॉयकॉट की जा रही है? नहीं जी मैम, ऐसे तो वो कहने की बात है, लेकिन जो स्टोरी होगी वो हिट होएगी। तो क्या लगता है अक्षय कुमार कभी ऐसी मूवी जो उनके साथ में रिलीज हुई है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, तो लग रहा है कभी आमिर खान ऐसी मूवी करेंगे? जी आमिर खान हो चाहे कोई हो, जो स्टोरी बढ़िया होगी ना वैसी चढ़ेगी। ठीक है सर, कौन सी मूवी देखने के लिए आए हैं? मैडम याद नहीं है, लाल सिंह चड्ढा। अच्छा, लाल सिंह चड्ढा किस लिए देखने के लिए आए हैं? पता नहीं मैडम, आज बच्चे जिद कर रहे थे। अच्छा, बच्चे जिद कर रहे थे। बच्चे कौन सी मूवी देखने के लिए आए हैं? कहाँ पर देखी थी कि लाल सिंह चड्ढा लगी हुई है और क्यों देखने आए? वैसे इसके प्रमोशन देखते रहते हैं। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया में आते रहते हैं। तो लगातार ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, तो आपको भी लग रहा है कि बॉयकॉट जैसा कुछ है? नहीं, किसी की भी हम सेल्फ स्टोरी को ऐसे बॉयकॉट नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपको बता देते हैं भाई, अगर बात की जाए बॉयकॉट की, तो काफ़ी सारे लोग जो है बॉयकॉट कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा को, लेकिन ज़मीनी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो ज़मीनी हकीकत के अंदर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि अपनी मूवी को हिट बनाने के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी करवाई जाती है। तो यहाँ पर जो है एक और महिला मेरे साथ मौजूद है, मुझे ये बताइए कि अगर आज की मूवी की बात की जाए तो कौन सी मूवी देखने के लिए आए? लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा क्यों देखने के लिए आई है लाल सिंह चड्ढा? सिर्फ यही देखना है कि क्या है जो बॉयकॉट कर रही है पब्लिक, इसका देखते हैं। अच्छा, आपने जो सुना था कि बॉयकॉट हो रहा है, तो आपको किस वजह से पता लगा कि बॉयकॉट हो रहा है? न्यूज़ के, न्यूज़ से आपको पता लगा, लेकिन वजह क्या थी कि किस वजह से बॉयकॉट हो रहा है? अभी देखेंगे तो पता लगेगा ना। अच्छा, सिर्फ इसीलिए आप बॉयकॉट इसीलिए देखने के लिए आए? सनसिटी सिनेमा के मैनेजर करण इस वक्त मेरे साथ है। करण जी, मुझे ये बताइए, अगर लाल सिंह चड्ढा मूवी की बात की जाए तो लोगों का कितना रुझान इसके अंदर देखने को मिल रहा है? सबसे ज़्यादा इसी में देखने को मिल रहा है, बॉयकॉट के बाद भी मूवी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। और मूवी में ये लगा लीजिए रक्षाबंधन से 50% ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है इसमें। अच्छा, दोनों मूवी एक साथ रिलीज़ हुई है, एक ही दिन के ऊपर रिलीज़ हुई है, तो अगर सीट की बात करूँ तो सीट बुकिंग सबसे ज़्यादा क्या लाल सिंह चड्ढा की हो रही है या रक्षाबंधन की? लाल सिंह चड्ढा की हो रही है, और सबसे ज़्यादा जेंट्री लाल सिंह चड्ढा ही देख रही है। तो आपको क्या लग रहा है ये बॉयकॉट के वजह से इस मूवी को देखने के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, हम हर मूवी को एंटरटेनमेंट की नज़र से देखते हैं वैसे, बट आमिर खान की बहुत टाइम के बाद मूवी आई है, आमिर खान लोगों का फेवरेट होगा, इसीलिए लोग देख रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, इस मूवी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ रही है, मूवी विवादों के अंदर गिर चुकी है, तो क्या कारण लग रहा है पीछे का? ऐसा कोई विवाद का कोई कारण नहीं है पिक्चर में, पिक्चर बहुत साफ सुथरी बनाई गई है और मूवी में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, आपने देखी है लाल सिंह चड्ढा? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आमिर खान ने सिख धर्म का अपराध किया है, मतलब उनका अपमान किया है, तो आपको भी लग रहा है कि अपमान हुआ है? मैडम देखिए, हमारे ओपिनियन में वो चीज़ हम नहीं ना कुंटीवल सर, वो गलत है उस चीज़ में कोई नहीं, बट हमारा बिजनेस है फिल्मों का, और फिल्मों के बिजनेस के मद्देनज़र हमारे लिए मूवी सारी अच्छी होती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मूवी का देखा जाए तो मूवी बड़ी स्लो बनी है। देखिए, इसमें नो डाउट कहा जाएगा मूवी बहुत स्लो है, बहुत लोग बोर हो जाते हैं मूवी के अंदर, बट मूवी में फिर भी ऑडियंस सबसे ज़्यादा इसी में ही है। रक्षाबंधन वेरी बहुत नाइस मूवी है, मतलब बहुत 5 साल के बाद किसी मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला है। आपको पता हो यू सर्टिफिकेट उस मूवी को मिलता है जो टोटली फैमिली इंटरटेनमेंट होती है, तो रक्षाबंधन में फिर भी उससे ज़्यादा क्राउड है। ठीक है, अगर बात की जाए IMDB की रेटिंग की अकॉर्डिंग, तो दोनों मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा किसको मिली है? रक्षाबंधन को। रक्षाबंधन इसको 2.5 स्टार मिले हैं और रक्षाबंधन को 3.5 स्टार मिले हैं। ठीक है, जब लोग देखने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं कि मूवी अच्छी है गंदी है, क्या रिव्यू रहता है? प्रेफरेंस लोगों की लगभग लाल सिंह चड्ढा रहती है, फिर मूवी के बाद लगभग मूवी के रिव्यू ऐसे ही आए कि स्लो मूवी है काफ़ी। अच्छा। कि मूवी वन टाइम वॉच है, ये लगा लीजिए एवरेज। ठीक है भाई, आपको बता देते बॉयकॉट है इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी को देखने के लिए आ रहे हैं, और अगर ज़मीनी स्तर की बात की जाए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस मूवी का बॉयकॉट हो रहा है। हालांकि कई बार जो है नेगेटिव पब्लिसिटी की जाती है ताकि मूवी जो है फ्लोप ना हो, मूवी हिट हो, लेकिन अगर बात की जाए इस मूवी की, तो अभी तक ज़्यादा बिजनेस इस मूवी ने नहीं किया है। और रक्षाबंधन मूवी की भी बात की जाए जिसके अंदर अक्षय जो है इसमें लीड भूमिका निभा रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि अक्षय कुमार की भी ये मूवी जो है ज़्यादा बेहतर चल रही है, क्योंकि दोनों मूवी रक्षाबंधन के ऊपर रिलीज़ हुई हैं और रक्षाबंधन के ऊपर जो है रक्षाबंधन ही मूवी रिलीज़ हुई है। हालांकि ऑडियंस जो है आप लोग देख सकते हैं कि अभी थिएटर के अंदर जाती हुई नज़र आ रही है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इस मूवी को कितने स्टार मिलने वाले हैं, तब तक इंतज़ार कीजिए।